जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है दिसंबर 2017 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बता दें कि यदि आपके जन्म के चंद्र कुंडली में एक नंबर में लिखा है तो आपकी मेष राशि है। यदि आपके जन्म के सूर्य भी मेष राशि में एक नंबर में लिखा है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका जन्म हुआ है, वो जन्म के सूर्य आपका एक नंबर में लिखा है कुंडली में, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मेष राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन आपको, आपके कोई मित्र हैं मेष राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्रेडिक्शन की कोई भी वीडियो हमारे चैनल की ओर से आता है तो आपको उसकी तुरंत जानकारी मिले। साइड में बेल का बटन है वो भी जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले वीडियो अपलोड होने पर। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे यदि आपको पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्ट करवाना है तो आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन मेष राशि के लिए दिसंबर 2017 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल गुरु का संयुक्त भ्रमण आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर है। मंगल का भ्रमण आपके लिए शुभ है। जो आपके लग्न के अंदर आपके चंद्र के ऊपर दृष्टि करते हैं जिसके कारण आपकी मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि होती है। मंगल गुरु का योग है जिसको मंगल योग बोलते हैं, महालक्ष्मी योग बनते हैं, तो धन संपत्ति वृद्धि के लिए आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, आपका मान सम्मान आदर बढ़ेगा, आपको मित्रों से लाभ रहेगा, आप नए साहस करेंगे, आपको नए साहस से लाभ रहेगा। तो ये मंगल और गुरु का संयुक्त भ्रमण राशि से सप्तम स्थान में ये शुभ है, लेकिन अशुभ भी है। खास करके जो भी जातक विवाहित हैं उनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए उसका केयर करना होगा। और जो भी जातक की बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप है उसको भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए उसका केयर करना होगा। ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह आपकी राशि से अष्टम स्थान में चल रहे हैं। 15 दिसंबर तक राशि से अष्टम स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए शुभ नहीं होंगे। जो कोई भी जातक कोई भी हेल्थ समस्या से पीड़ित हैं उनको अपने हेल्थ के बारे में विशेष केयर करना होगा। 16 दिसंबर रात को 3:02 इंडिया टाइम पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य चलेंगे धनु राशि में, और धनु राशि में चलने वाले सूर्य शनि के साथ चलेंगे। उसका प्रेडिक्शन बाद में करते हैं, लेकिन पहले बता दें कि 15 दिसंबर तक का जो समय है उसमें खास करके आपको गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा। यदि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और आँखों का आपको विशेष केयर करना होगा, और खुद का भी हेल्थ केयर करना होगा और फादर का भी हेल्थ केयर करना होगा, क्योंकि 8वें स्थान के सूर्य शुभ नहीं माना जाते हैं। सूर्य के अशुभत्व के निवारण के लिए रोज़ आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और दिन में 3 सूर्य दर्शन करें। 16 दिसंबर रात को 3:02 धनु राशि में जाने वाले सूर्य का जो संक्रांति पुण्यकाल है वो सुबह सूर्योदय से लेकर मध्याह्न सूर्य तक रहेगा 12 तक। तो संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो 16 दिसंबर सुबह सूर्योदय से लेकर 12 तक है। उसमें खास करके आप जितना भी हो सके इतना मंत्र दान पुण्य करें जिसके कारण आपको आने वाले समय में राहत मिले। सूर्य क्रांति में जो भी दान पुण्य हम करते हैं उसका बहुत शुभ फल मिलता है, अनंत फल मिलता है। तो
16 दिसंबर को हो सके इतना सुबह के अंदर आप दान पुण्य मंत्र का कार्यक्रम करें। 16 दिसंबर 2017 से सूर्य और शनि का संयुक्त भ्रमण आपके भाग्य स्थान के अंदर होगा। भाग्य स्थान में सूर्य और शनि का संयुक्त भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं होगा। भाग्योदय में आप थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे। खास करके आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा अपने ब्रदर्स सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ। बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो 24 नवंबर से वक्री होकर बुध चलेंगे अष्टम स्थान के अंदर, तो बुध का भी आपके अष्टम स्थान में जाना शुभ नहीं होगा। खास करके आपको वाणी में संयम बरतना होगा अपने कुटुंब के अंदर और फाइनेंशियल मैटर में आपको विशेष केयर करना होगा। शुक्र का भ्रमण आपके राशि से अष्टम स्थान में है 26 नवंबर तक, जो आपके लिए शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। और 20 दिसंबर से शुक्र चलेंगे धन राशि में, तो छोटी छोटी यात्राओं से लाभ करवाएंगे। जो भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जैसे कि होटल मोटल रेस्टोरेंट्स, फिल्म इंडस्ट्री, नाटक, सिनेमा, ब्यूटी पार्लर, कपड़ों का कामकाज, ये जो कोई भी करने वाले जातक हैं, इनके लिए जो समय है 20 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत शुभ समय शुरू हो रहा है। शुक्र चलेंगे धन राशि में, तो ये आपके भाग्य वृद्धि के लिए महत्व की एक कड़ी लेकर आने वाले हैं। खास करके आपको डेट्स केयर करना होगा 15, 16 और 17, जिसमें चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में, तो 8वें स्थान में जब चंद्र होते हैं तो व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा, पानी से बचना होगा, यानी कि नदी समंदर तालाब किनारे जाते हैं घूमने के लिए तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, और वाणी में सेम बरतें खास करके कुटुंब के अंदर, और आँखों का विशेष केयर करें। और डेट सबको केयर करना होगा 25, 26 और 27, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के चंद्र हैं वो भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर अवश्य नोट करें। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। यदि आपके कोई मित्र हैं मेष राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।